आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेडिएटर प्रेशर की। इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है, सामान्यतः पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है और जब वायुमंडलीय दाब अधिक ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है तो पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगता है। अतः सिस्टम में एक दबाव बनाए रखने के लिए रेडिएटर प्रेशर ट्यूब का प्रयोग किया जाता है और इससे कूलेंट को होने वाली हानि जो वाष्प के द्वारा उड़ जाता है उसे भी रोका जा सकता है। रेडिएटर टैंक के शीर्ष पर फिलर नेक हिस्से में प्रेशर कैप लगाया जाता है। यदि इसे दबाव को 15 PSI तक बढ़ाया जा सकता है और क्वथनांक को 113 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है। रेडिएटर प्रेशर कैप में दो वाल होते हैं, प्रेशर वाल और एक होता है वैक्यूम वाल। इस सिस्टम में यदि दबाव बढ़ता है तो घटकों को नुकसान पहुँच सकता है। इससे बचने के लिए प्रेशर रिलीफ वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। अतिरिक्त प्रेशर को रिलीज करने के लिए स्प्रिंग लोडेड वाल्व होता है। जब इंजन ठंडे पानी गर्म किया जाता है तो पानी फैलता है, इससे कारण सिस्टम में उच्च दबाव होता है। दबाव के कारण स्प्रिंग तनाव से अधिक होता है और वाल्व खुल जाता है। दूसरा होता है वैक्यूम वाल्व। जब इंजन ठंडा हो जाता है तो शीतलक के नुकसान कूलेंट नुकसान के कारण सिस्टम में दबाव कम हो जाता है, एक वैक्यूम बन जाता है। इससे वैक्यूम वाल्व खुलता है और सिस्टम में हवा तब तक रहती है जब तक सिस्टम में वैक्यूम भरा नहीं जाता है।